Hello everyone, welcome to the Indian Polity classes. This is Keshav Verma, and today in this session of Indian Polity we will talk about the evolution of Indian state. भारत में राज्यों का विस्तार किस प्रकार से हुआ. At the time of independence यहाँ पर states की, union territories की, provinces की क्या structure थी, कौन कौन से states से और कैसे कैसे करके आज की modern day में जो हमारे पास 28 state हैं उनका evolution हुआ. साथ ही हम डिस्कस करेंगे धार कमीशन, JVP कमीशन और फजल अली कमीशन, जो कि स्टेट रिकॉग्नाइजेशन के नज़रिए से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसे इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन स्टेट के नज़रिए से देखा जाए तो हमारे लिए एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है, वो सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर. देखिए, पहले के लेक्चर में हमने बात की थी पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में. सो वो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स. ये उसी वीडियो का पार्ट वन का ही आप कह सकते हैं एक सेकंड पार्ट है. तो ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सी ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. भारत की आज़ादी के बाद यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर थी स्टेट्स की, प्रोविंसेस की, वो देखते हैं. एक्चुअली आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, इंडिया को चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ था, पार्ट वन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. ओके, पार्ट ए के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट प्रोविंसेस थी जिनकी संख्या 9 थी. पार्ट बी के अंदर हमारे पास थे प्रिंसली स्टेट्स जिनकी संख्या 9 थी, और पार्ट सी के अंदर हमारे पास थी कमिश्नर प्रोविंसेस जिनकी संख्या 10 थी, और पार्ट डी के अंदर हमने रखा हुआ था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को. ओके, दिस वाज द स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया. सो पार्ट ए में कौन कौन सी गवर्नमेंट प्रोविंसेस थी वो देख लेते हैं. पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मद्रास, बम्बई, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, असम, इट इज़ नॉट यूपी, इट इज़ यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड पंजाब. ओके, दिस वर दी पार्ट वन और पार्ट ए ऑफ द इंडिया. ओके, पार्ट बी में अगर हम बात करें क्या क्या थे हमारे पास. पार्ट बी में जो प्रिंसली स्टेट थे वो त्रावणकोर, कोचिन, सेकंड मैसूर जिसको मॉडर्न डे हम कर्नाटका बोलते हैं, देन हैदराबाद, मध्य भारत, विंध्य भारत, सौराष्ट्र, राजस्थान, पेप्सो स्टेट्स, जे एंड के, दीज आर दी ऑल प्रिंसली स्टेट्स. और इनको आप अगर अलग भाषा में बोलना चाहें तो आप इनको लिख सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्टेट्स. ओके, दीज आर दी प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्टेट हु रिफ्यूज टू बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया. लेकिन धीरे धीरे करके हमने सभी इन स्टेट्स को इंडिया के अंदर मिला लिया, वो सब हम आगे देखेंगे. सो पार्ट बी प्रिंसली स्टेट्स में टोटल 9 स्टेट्स. नाउ पार्ट सी में हमारे पास थे हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, कुच बिहार जो कि हमारे पास एरिया था, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है जिसके बारे में हम पहले के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, देन मणिपुर, त्रिपुरा, कच्छ, भोपाल, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली. पार्ट डी में हमने पहले ही बताया अंडमान एंड निकोबार. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. पूरा इंडिया इन चार सेक्शन के अंदर बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. इसके बाद क्या ऐसी चीज़ें आई जिसकी वजह से जो है हमारे पास एक कंप्लीट इंडिया या फिर मॉडर्न डे इंडिया बन गया. सो वो सभी पॉइंट्स आगे के सेक्शन में देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सबसे पहले धार कमीशन. देखिए, धार कमीशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण था ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी. सिंस इट वाज 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी लिंग्विस्टिक लाइन पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इस बात को एक्सेप्ट किया था. 1928 में नेहरू कमेटी जो कि मोतीलाल नेहरू जिसके चेयरमैन थे उस कमेटी के अंदर भी ये एक्सेप्ट किया गया था कि स्टेट्स को जो है लिंग्विस्टिक लाइन के आधार पर बांटा जाना चाहिए या फिर उनका निर्माण होना चाहिए. 1946 में कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो
जो कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसके अंदर भी लिंग्विस्टिक लाइंस के बारे में बोला गया। ओके, महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट में थे, लेकिन ये एनी बेसेंट है जो कि हमारे पास होम रूल लीग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कहीं ना कहीं इसके अपोजिशन में थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस डॉक्टर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी वर इन अपोजिशन टू इच अदर दैट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट शुड नॉट बी बेसिस ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन्स। एक तरफ महात्मा गांधी बोल रहे थे कि राज्यों का निर्माण लिंग्विस्टिक लाइन्स या फिर भाषा के आधार पर होना चाहिए, दूसरी तरफ अम्बेडकर इस बात का विरोध कर रहे थे। सो 1948 का समय आता है और इस समय तक जो है राज्यों के भाषा के आधार पर निर्माण की डिमांड बढ़ चुकी थी, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है धार कमीशन को। अगर धार कमीशन क्या था, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द धार कमीशन अंडर एस के धार ए जज ऑफ इलाहाबाद कोर्ट टू एग्जामिन द केस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। देखिए डिमांड देश में बढ़ रही थी बार बार कि यहाँ पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए भाषा के आधार पर, तो गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट थी जो उस वक्त थी हमारे पास, वो अपॉइंट करती है एस के धार कमीशन को, जिसमें एस के धार चेयरमैन थे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे, केस को स्टडी करने के लिए कि भाषा का निर्माण भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इट वाज अपॉइंटेड इन नवंबर 1947 और दिसंबर 1948 में ये जो है हमारे पास रिपोर्ट सबमिट करते हैं एंड इट रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन द लिंग्विस्टिक बेसिस। धार कमीशन मना कर देते हैं कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। सो ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से धार कमीशन यहाँ पर मना कर देते हैं? देखिए 1947 का समय था, देश आज़ाद हुआ था, काफ़ी फ्रेंडली स्टेट से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे हमने पहले के पार्ट बी में देखा, तो उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी भाषा के आधार पर अगर हम डिवीजन कर रहे हैं राज्यों का तो कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो रहा था इंडिया के यूनियन में, उसमें कहीं ना कहीं खतरा था कि कहीं कल को कोई राज्य जिसको भाषा के आधार पे अलग किया जाए, हो सकता हो कल को अलग डिमांड करने लग जाए अलग देश के लिए, या फिर देश के टूटने का एक प्रकार से खतरा हम कह सकते हैं यहाँ पर था। सो धार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि राज्यों का निर्माण एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब कि प्रशासनिक के आधार पर प्रशासन कैसे करना है, कौन से राज्य में करना है, उसके आधार पर आप चाहे डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक बेसिस या फिर भाषा के आधार पर यहाँ पर डिवीजन नहीं होना चाहिए। इट वॉज द रिपोर्ट दैट वॉज सबमिटेड बाई द धार कमीशन। ओके, सो रिपोर्ट सबमिट की धार कमीशन ने दिसंबर 1948, इसके साथ ही दिसंबर 48 में ही, देखिए दिसंबर 1948 में धार कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की और उसी महीने में यहाँ पर JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पिटाबी सीतारमैया, यहाँ पर एक कमेटी का निर्माण किया जाता है इन तीन लीजेंड्स के द्वारा। ये तीन लीजेंड उसके मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिटाबी सीतारमैया, वेरी वेरी ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, सेट अप बाय द कांग्रेस इन दिसंबर 1948 जस्ट आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द धार कमीशन। ओके, धार कमीशन के रिकमेंडेशन के तुरंत बाद यहाँ पर JVP कमेटी का गठन किया जाता है। JVP कमेटी है अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है अप्रैल 1949, चार महीने बाद ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। और क्या था यहाँ पर आधार इनकी रिकमेंडेशन का, द कमेटी रिकमेंडेड और रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्राउंड। लिंग्विस्टिक ग्राउंड या भाषा के आधार पर JVP कमेटी भी मना कर देती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण फिलहाल नहीं होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले धार कमीशन, इसके बाद JVP कमेटी, इसके बाद हमारे पास आता है द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ। एग्जाम के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट विच वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स। ओके, इट वॉज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सीन क्या था कि यहाँ पर एक कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुल्लू। ओके, ये काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए, तो इनकी 56 डेज का लंबा हंगर स्ट्राइक के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट झुक जाती है और आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर देती है। ओके, सो इन द ईयर 1953
The government was forced to create a separate state of Andhra Pradesh for Telugu speaking people following the long drawn agitation and death of Poti Sira Mullu. ओके पोटी सीरा मुल्लू जो कि कांग्रेस के एक नेता थे, एक लंबी हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर काफ़ी आक्रोश पैदा था जनता के बाद, सुशी प्रेशर में आके आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस। ओके सो भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला स्टेट वो था हमारे पास आंध्र प्रदेश इन द ईयर 1953। घोटा लगा लीजिए इस बात का, यहाँ पर एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है 1953 एंड इट वाज आंध्र प्रदेश। ओके आप एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है तो प्लीज इसको आप इंपॉर्टेंट नोट बना के नोट कीजिएगा। ओके इसके बाद की क्या स्टोरी थी वो देखते हैं। सो देखिए 1953 में हमारे पास यहां पर एक स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट बनने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से डिमांड उठने लगी, वो इस राइज होने लगी कि वहाँ पर भी राज्यों का निर्माण होना चाहिए भाषा के आधार पर। सो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट एक कमीशन का अपॉइंटमेंट करती है जिसका नाम रखा गया फजल अली कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके सो पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। दिस लेड टू द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस लेड व्हाट लेड 1953 में जो हमारे पास आंध्र प्रदेश बना उसके बाद यहाँ पर डिमांड हुई कि और राज्यों का भी निर्माण होना चाहिए भाषा के आधार पर। सो ऑन दिसंबर 22, 1953 बाईस दिसंबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन अंडर फजल अली टू कंसिडर दिस डिमांड। ओके 22 दिसंबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि एक फजल अली नाम से कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाएगी टू व्यू दिस डिमांड। ये 3 मेंबर कमीशन था, एक्चुअली 2 अदर मेंबर थे वो थे हमारे पास के एम पानिकर एंड एच एन कुंजरू। एग्जाम के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हु आर द मेंबर्स ऑफ फजल अली कमीशन, तो यहाँ पर के एम पानिकर एंड एच एन कुंजरू एंड फजल अली। ओके दीज वर द मेंबर्स ऑफ फजल अली कमीशन। The commission submitted its report after taking into account the wishes and claims of people in different regions. लोगों की बात सुनते हैं, उनकी डिमांड सुनते हैं, किस आधार पर वो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण चाहते हैं। उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए फजल अली कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। रिपोर्ट में सबमिट करता है कि यहाँ पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए भाषा के आधार पर, और साथ में फजल अली कमीशन ये भी अपने रिकमेंडेशन करता है कि वन लैंग्वेज वन स्टेट के हिसाब से फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए राज्यों का। ओके कमीशन एक्सेप्टेड द डिवीजन और क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स। कमीशन एक्सेप्ट करता है कि लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे या फिर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट, हर लैंग्वेज के लिए एक नए राज्य का निर्माण हो, ऐसी कोई डिमांड को यहाँ पर ये रिजेक्ट करते हैं अपने रिकमेंडेशन के अंदर। रिकमेंड करते हैं कि ये टोटल 16 स्टेट होना चाहिए यहाँ पर और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया या फिर यूनियन टेरिटरीज। ओके फजल अली कमीशन यहाँ पर रिकमेंडेशन करता है कि देश को 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है डिवाइड कर देना चाहिए। ओके दिस वर द रिकमेंडेशन दैट वॉज गिवन बाई द फजल अली कमीशन। ओके सो इसके बाद का क्या सिनेरियो था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। देखिए यहाँ पर भाषा के आधार पर जो डिमांड थी राज्यों के निर्माण की वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रही थी, तो इसके बावजूद यहाँ पर गवर्नमेंट लेके आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड इट वॉज डन बाई द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर यहाँ पर डिवीजन किया गया स्टेट्स का इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ओके फजल अली कमीशन ने यहाँ पर हमें रिकमेंडेशन किया था 16 स्टेट्स का या फिर 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज का, लेकिन अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। ओके यहाँ पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से कि कितने रिकमेंडेशन दी थी फजल अली आयोग ने, तो यहाँ पर हमारे पास 16 और 3।
लेकिन हमारे पास जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन था वहाँ पर क्या स्ट्रक्चर थी, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। स्टेट हमारे पास आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अलमिडी आइलैंड्स, मणिपुर एंड त्रिपुरा। और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया इन द ईयर 1956। ओके, सो एक बार फिर से हम चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होल स्टोरी थी। ओके देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स थे स्टेट्स के, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसके बाद 1948 में यहाँ हमारे पास धार कमीशन आया, लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे जो डिमांड थी उसको एग्जामिन करने के लिए। धार कमीशन हमारे पास यहाँ पर मना कर देते हैं। धार कमीशन के बाद JVP कमेटी है, ये भी हमारे पास मना कर देते हैं कि ऐसा लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पे राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही थी। 1953 में कांग्रेस के ही नेता पोटी सीतारमल्लू, यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है 56 डे के लॉन्ग हंगर स्ट्राइक के बाद। ओके, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे एक नया राज्य बन जाता है। ओके, पोटीसीराल मुल्लू के बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश में इनको बोला जाता है अमरजीवी, अमरजीवी इनको यहाँ पर बोला जाता है, अमरजीवी मीनिंग द इमोर्टल मैन। ओके, तो लिंग्विस्टिक लाइंस के आधार पर 1953 में हमारे पास पहला राज्य बन गया। इसके बाद जब डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही थी तो इसके बाद गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन यहाँ पर रिकमेंडेशन देते हैं कि राज्यों का निर्माण हो जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्राउंड, बट इट ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ओके, और यहाँ पे साथ के साथ ये रिकमेंडेशन देते हैं कि यहाँ पर 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर इंडिया को डिवाइड कर देना चाहिए। ये बात चल रही थी हमारे पास 1953 की। 1953 के बाद 1956 का समय जाता है और यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके दौरान हम डिवाइड करते हैं इंडिया को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर। ओके, इसके बाद की क्या सीनेरियो थी, देखिए इट वाज द टाइम ऑफ 1956। ओके, इसके बाद 1960 में यहाँ पर डाइवर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉम्बई इन 1960 एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीटेशन एंड वायलेंस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वॉज क्रिएटेड बाईफर्केटिंग द स्टेट ऑफ बॉम्बे। बॉम्बई का जो स्टेट था उसको बाईफर्केट किया जाता है इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र आफ्टर ए रिजल्ट ऑफ एग्रीटेशन एंड वायलेंस। यहाँ पर काफ़ी डिमांड होती है, वायलेंस होती है और काफ़ी लंबा आंदोलन चलता है फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स। ओके, इसके बाद यहाँ पर स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात को बना जाता है 1960 के दौरान। ओके, विद द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन स्टेट रोज टू 15। देखिए बॉम्बे था जो, वो हमने बना दिया यहाँ पर महाराष्ट्र, और एक जो अलग स्टेट था वो हमने यहाँ पर बना दिया गुजरात। ओके, सो 14 पहले थे, एक और नया स्टेट बन गया हमारे पास, तो 15। ओके, देखिए 14 थे, 14 इंक्लूडिंग बॉम्बे, बॉम्बे भी इसमें से एक था। बॉम्बई के दो सेक्शन कर दिए गए, एक को बोला गया महाराष्ट्र, एक को बोला गया गुजरात। ओके, सो वी कैन से इंक्रीज इन नंबर इन वन। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर था स्टेट्स का वो हो गया हमारे पास 15। इसको बोला जाता है बॉम्बे स्टेट री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960। ओके, अगर आपसे पूछे गुजरात और महाराष्ट्र कब बने, तो इट वॉज इन द ईयर 1960। इसके बाद 1961 में दादरा और नगर हवेली वर मेड यूनियन टेरेटरीज। इट वॉज डन बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक्चुअली दिस वर दी ऑक्यूपेशन अंडर द पौंडीचेरी, और सॉरी दिस वर दी ऑक्यूपेशन अंडर द पोर्टुगीज। ओके, 1962 में यहाँ पर गोवा, दमन एंड दीव वर मेड द यूनियन टेरेटरीज। 1961 में दादरा नगर हवेली और 1962 में गोवा, दमन एंड दीव। ओके, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते दोनों पॉइंट्स, सो प्लीज इनका नोट बनाइए। UPSC प्रीलिम 2001 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, दादरा नगर हवेली वाला। ओके, मैं क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा आगे पार्ट में। सो फिलहाल याद रखिए 1961 दादरा नगर हवेली और 1962 में गोवा, दमन एंड डी एंड पुडुचेरी वर मेड यूनियन टेरिटरीज। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ द नागालैंड इन द ईयर 1963। देखिए 1962 तक की स्टोरी यहाँ पर, इसके बाद 1963।
1963 में नागालैंड वॉज क्रिएटेड वॉज फॉरम टू प्लेस एट दी नागाज नागाज जनजाति के जो लोग थे वहाँ पर उनकी डिमांड को देखते हुए एक नागालैंड स्टेट का निर्माण कर दिया जाता है 1963 में। हाउएवर बिफोर प्रोवाइडिंग द स्टेट ऑफ फुल फ्लेज स्टेट इट वॉज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ असम इन द 1961। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। विद दिस द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन स्टेट रोज टू 16। सो फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड इन द ईयर 1963 देन इट केम अप टू ईयर 1966 1966 का समय जाता है जब यहाँ पर हरियाणा और पंजाब की फॉर्मेशन की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है। 1966 में पार्लियामेंट पास्ड ए द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर एन एजिटेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब सूबा पंजाबी सूबा यहाँ पर भाषा के आधार पर डिमांड बढ़ चुकी होती है काफ़ी हद तक। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट यहाँ पर शाह कमीशन को अपॉइंट करती है इन द ईयर अप्रैल 1966। ओके शाह कमीशन की वजह से यहाँ पर पंजाबी स्पीकिंग एरिया और हरियाणवी स्पीकिंग एरिया इनको अलग अलग कर दिया जाता है और जो हिली एरिया था उसको दे दिया जाता है हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी के अंदर। ओके सो 1966 में है हमारे पास दो नए स्टेट्स हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट वन चंडीगढ़ वॉज मेड यूनियन टेरेटरीज विच सर्व एज द कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की जो कॉमन कैपिटल थी चंडीगढ़ उसको बना दिया जाता है यहाँ पर एक यूनियन टेरेटरी। द स्टेट और आल्सो हैव ए कॉमन हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट। आज के भी मॉडर्न समय में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ही हाई कोर्ट है दोनों स्टेट्स के लिए। विद दिस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट रोज टू 17। देखा हमने पहले बॉम्बे को जब अलग किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में स्ट्रेंथ वाज 15। विद दिस दोनों स्टेट हरियाणा और पंजाब तो टोटल हमारे पास स्ट्रेंथ होगी 17। ओके इसके बाद क्या क्या फर्दर एक्सपेंसेस थे स्टेट्स के वो देख लेते हैं। 1969 में मेघालय स्टेट को क्रिएट किया गया असम से अलग करके। विद दिस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट्स रेज टू 18। ओके 1971 में हिमाचल प्रदेश की जो यूनियन टेरिटरी थी उसको बना दिया गया एक यहाँ पर स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी से बना दिया गया यहाँ पर स्टेट इन द ईयर 1971। ओके और यहाँ पर स्ट्रेंथ होगी 19। 18 होगी थी मेघालय के बाद यहाँ पर एक स्टेट और ऐड हो गया तो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी 19। देन टू 21 विद द कन्वर्जन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ त्रिपुरा एंड मणिपुर। मणिपुर और त्रिपुरा जो भी एक यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज थी उनको भी हमने बना दिया यहाँ पर स्टेट्स। तो 1971 में हमारे पास हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा एंड मणिपुर इन तीनों स्टेट्स का निर्माण किया गया। कैसे किया गया? पहले यूनियन टेरिटरीज थी और इनको कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट के अंदर। ओके इसके बाद की क्या स्टोरी थी? इन द ईयर 1975 सिक्किम वाज एडेड एज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिक्किम जो कि इंडिया का पहले पार्ट नहीं था इसको भी ऐड कर दिया गया इन द इंडियन यूनियन इन द ईयर 1975। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर हजारों बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सिक्किम भारत का अंग कब बना? तो इट वॉज द ईयर 1975। ओके और इट वॉज द 22nd स्टेट ऑफ द इंडिया एंड इट वॉज डन बाय द 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस इज नॉट 36 इट इज द 35th 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के अंदर ऐड किया गया और इसके साथ ही यहाँ पर राज्यों की जो संख्या होगी वो होगी हमारे पास 22। ओके 1975 के बाद हमारे पास समय आ जाता है 1986 का। मिजोरम ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वॉज चेंज्ड टू ए स्टेट। मिजोरम जो कि एक यूनियन टेरिटरी थी इसको भी एक यहाँ पर स्टेट का निर्माण कर दिया जाता है इन द ईयर 1986। हाउएवर इट एक्चुअली एक्वायर द स्टेटस ऑफ स्टेट इन द फरवरी 1987 बिकेम द 23rd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। इट बिकेम द 23rd यूनियन स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ओके 22वां हमारे पास सिक्किम था और 23वां यहाँ पर आ गया हमारे पास मिजोरम। देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं यहाँ पर याद करना इनको काफ़ी डिफ़िकल्ट है ईयर को और यहाँ पर स्टेट्स को। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सिक्किम का सेक्शन आप इसको कम से कम याद रखिएगा ये 22वां स्टेट बना था और इट वॉज इन द ईयर 1975। ओके क्रॉनिकल ऑर्डर भी हम एक ट्रिक के माध्यम से आगे के थोड़ा सा आगे जब हम चलेंगे तो वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे।
और होप आपको सारे के सारे राज्य क्रॉनिकल ऑर्डर में याद करवा दिए जाएंगे आज के ही लेक्चर के अंदर। ओके, तो आप देखते रहिए पेशेंस के साथ। सो इन द ईयर 1987 अरुणाचल प्रदेश अनदर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज आल्सो गिवन द स्टेटस एंड बिकेम द 24th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। देखिए यहाँ पर 23वां स्टेट मिजोरम, इसके बाद 24वां स्टेट हमारे पास आ गया अरुणाचल प्रदेश, जो कि पहले एक यूनियन टेरिटरी थी। ओके, फरवरी 1987 के बाद समय आ गया मई 1987 का। द स्टेट ऑफ गोवा वॉज क्रिएटेड बाई सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन एंड दीव। गोवा दमन एंड दीव जो कि एक यूनियन टेरिटरी थी, उसको अलग करके यहाँ पर हमारे पास गोवा एक फुल फ्लेश स्टेट का दर्जा दिया गया। वाइल दमन एंड दीव कंटिन्यू टू बी यूनियन टेरिटरी, गोवा बिकेम द 25th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। देखिए अरुणाचल प्रदेश हमारे पास 24th और यहाँ पर ये आ गया गोवा 25th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। इसके बाद थ्री न्यू स्टेट्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल वाज क्रिएटेड इन नवंबर 2000। ये हमारे पास हो गया था 23, 24, 25, 26। ओके, और यहाँ पर एक स्टेट रह गया जयकु मिजोरम था। कोई नहीं, उसको भी हम कमेंट सेक्शन में बता दूंगा हम आपको कि मिजोरम को कब बना गया इंडिया यूनियन का पार्ट। ओके, तो छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तरांचल वाज मेड इन नवंबर 2000 एज ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तेलंगाना को 2014 के अंदर बनाया गया विद द सेपरेशन फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एंड इट वाज डन इन द ईयर 2019। ओके, देखिए पहले के सेक्शन में हमने देखा कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाए जा रहे थे, लेकिन इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ए स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू यूनियन टेरिटरीज। ओके, और जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द थर्ड यूनियन टेरिटरी विद विच हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर दो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एक पुडुचेरी और दूसरी दिल्ली, और तीसरा हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू एंड कश्मीर की। ओके ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन यूनियन। यहाँ पर राज्यों का निर्माण कौन कौन से ईयर में हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब पॉइंट हमने डिस्कस किया। ओके, सो ये क्रॉनिकल ऑर्डर इन स्टेट का याद रखना, हालांकि आपके लिए भी कन्फ्यूजिंग होगा क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे, कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं थे जिनको आप याद कर सके, सारे फैक्चुअल डाटा था। तो इसको याद करने के लिए आप छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप बोलेंगे आम गुना ही मेघ मंतर सी गर्मी। ओके, आम गुना ही मेघ मंतर सी गर्मी, दो से तीन बार, चार बार, पांच बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए आम गुना ही मेघ मंतर सी गर्मी, इसमें सभी स्टेट्स के नाम छिपे हुए हैं, हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से स्टेट हैं। आ से आप लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश, एंड इट वाज फॉर्म द फर्स्ट स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस इन द ईयर 1953। एम से मेघालय, मेघालय, एंड इट वाज मेड इन द ईयर 1960। ओके, आम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, क्रॉनिकल ऑर्डर। गु से यहाँ पर गुजरात, गुजरात के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर राज्य आया था जिसका नाम था महाराष्ट्र। ओके, इन द ईयर 1960। ओके, मेघालय, गुजरात। ना से नागालैंड, हा से बात की जाए तो हरियाणा एंड पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा एंड पंजाब। ही से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इन द ईयर 1970। ओके, हरियाणा और पंजाब 1966। मेघ से मेघालय, मंत्र में जो मै है ये है हमारे पास मणिपुर के लिए, मणिपुर वाज मेड इन द ईयर 1972। ओके, ता से त्रिपुरा, त्रिपुरा आल्सो इन ईयर 1972। ओके, सी से सिक्किम,
सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं, इसका मतलब है हमारे पास सिक्किम। सिक्किम वॉज मेड इन द ईयर 1975। ओके, जी फोर गोवा, गोवा वॉज मेड इन द ईयर 1987। ओके, गोवा के बाद हमारे पास जी ए आर, ए आर स्टैंड फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एंड इट वॉज मेड इन विच ईयर यू विल टेल मी, एंड लास्ट वन इज मिजोरम। ओके, दिस वर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। देखिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आम, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा एंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, एंड देन लास्ट वन इज मिजोरम। ओके, सो आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी, आप इस वर्ड के साथ जो है याद कर सकते हैं स्टेट को एक क्रॉनिकल ऑर्डर के अंदर। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट था जो सबसे पहले बना भाषा के आधार पर, तो इट वॉज इन द ईयर 1953 व्हेन आंध्र प्रदेश वॉज बिकेम द फर्स्ट स्टेट विच वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स। उसके पीछे की स्टोरी क्या थी वो हम भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, एक क्रॉनिकल ऑर्डर के अंदर आपको तीन से चार स्टेट दे देगा आगे पीछे करके, तो आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में रखना होगा, चारों में से एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो अगर आप इस वर्ड को भी याद रख लाएं तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ईयर भी आप याद कर सकते हैं, 1966, 70, 72, 75, 87। ओके, पाँच छः ईयर ही हैं क्योंकि एक ईयर में दो दो तीन तीन स्टेट भी बने हैं, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी, तीन से चार बार आप इसको बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, एक बार रिकैप कर लेते हैं सारा का सारा सिलेबस को जो हमने पढ़ा है अभी तक। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा, यहाँ पर हमारे पास था फोर टाइप ऑफ स्टेट से, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसके बाद हमारे पास धार कमीशन था जिन्होंने मना किया कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद जेवीपी कमेटी थी जिसने भी मना किया हमारे पास राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए भाषा के आधार पर। ओके, इसके बाद हमारे पास फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना 1953 में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ हमारे पास है फजल अली कमीशन जिन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, लेकिन एक राज्य में एक पर्टिकुलर स्टेट हो, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर भाषा हो, ऐसे कोई बंटवारा हो राज्यों का भाषा के आधार पर, ऐसे नहीं होना चाहिए। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी 6 states and 3 union territories के। इसके बाद 1956 में यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ विद द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और यहाँ पे 14 states and 6 union territories का निर्माण किया गया। ओके, यहाँ पर डिवीजन मुंबई हुआ और इसके बाद अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ जो हमने एक ही वर्ड में उसको याद कर लिया। तो आप इस वर्ड को मैं कहता हूँ 20-30 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलेंगे आप। आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी। ओके, इसी के अंदर सभी स्टेट्स के नाम छिपे हुए हैं, तो प्लीज आप इन सभी स्टेट्स के नाम को क्रॉनिकल ऑर्डर में एटलीस्ट याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की ईयर और इसके पीछे की स्टोरी क्या थी वो तो आपको पता ही होना चाहिए। आंध्र प्रदेश और सिक्किम ये दो स्टेट है जहाँ पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और क्रॉनिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फजल अली आयोग में कौन कौन से बंदे थे, कौन कौन मेंबर थे उसके कमीशन में, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ओके, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा हु आर द मेंबर्स ऑफ दी फजल अली कमीशन। ओके, साथ आप बताइएगा मुझे एस के धार कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आपको अगर कोई डाउट है, कोई शंका है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में अपडेट मिलते रहें। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों, अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी यहाँ पर यूज हो और वो भी बेटर में अच्छे से तैयारी कर सकें। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग। सीखते रहिएगा प्लीज़।